वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की जो सोशियोलॉजी है उसके लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं, और इसके नोट्स का अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसे इस नोट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा कि सहयोगी तथा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आपसे सहयोगी तथा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो सामाजिक प्रक्रिया मतलब को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो सामाजिक प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो दो भागों में उसके लिए बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा सहयोगी प्रक्रिया और दूसरा है हमारा असहयोगी प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सहयोगी प्रक्रिया को देखते हैं। वे सामाजिक प्रक्रियाएँ जो समाज में संगठन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, वे सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज में क्या उत्पन्न करती हैं? संगठन उत्पन्न करती हैं, समाज में एकीकरण और सहयोग बढ़ाने में सहायक होती हैं, उन्हें सहयोगी या सहगामी सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सरल समाजों में अर्थात ग्रामीण समाजों में सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण समाज होते हैं उनमें सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रियाएँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं में सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण महत्वपूर्ण है। ये जो प्रक्रियाएं हैं इनमें आपका सहयोग है, समायोजन हो गया आपका, और सात्मीकरण इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। सेकंड है हमारा असहयोगी प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। जो हमारी असहयोगी प्रक्रिया जो है उसके लिए आपके लिए असहगामी, ठीक है, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष इसके उदाहरण हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी वीडियो लाइक नहीं करी वो लाइक कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें।